हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन लेडरर मेनासे अभिक्रिया इसके बारे में देखेंगे। क्या होती है यह अभिक्रिया, क्या है और ये कैसे बनती है, इसमें क्या क्या रिएक्टेंट यूज होते हैं वो देखेंगे। तो अम्ल और क्षार की उपस्थिति में फिनॉल की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया कराते हैं, या ऐसा बोले कि अम्ल और क्षार की उपस्थिति में फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ संघनन करता है, तो संघनन करने से क्या होता है, ऑर्थो एवं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ये बेकेलाइट बनाने की मेथड भी है। ठीक, तो बेकेलाइट बनाने से पहले जो एक मोनोमर से जो डाइमर बनते हैं, डाइमर के रूप में जो अपने यूज होते हैं वो ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल यूज होते हैं। कैसे बनाते हैं इसको, तो ये है अपना फिनॉल, फिनॉल की फॉर्मेल्डिहाइड, ये है फिनॉल। ठीक, फिनॉल की फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड का होता है सूत्र CH HCHO, या इसको कैसे लिख सकते हो अपन, CH2O। ठीक, इसको मेथेनॉल भी बोला जाता है। तो ये एक रिएक्शन करता है किसकी उपस्थिति में, या तो अम्ल की उपस्थिति में या क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है, संघनित होता है। तो OH जो है एल्कोहल ग्रुप जो है वो कौन सा, फिनोलिक ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। यानी इनसे कोई भी चीज़ जुड़ती है तो सबसे पहले एक तो ऑर्थो पे जुड़ती है, ठीक, ये और ये कहाँ पे जुड़ती है, पैरा पे जुड़ती है, ये हो गई अपनी पैरा वाली। ठीक, तो यहाँ पे ये कितने अपन, इसके दो लिए और इसके भी कितने ले लिए, दो ले लिए। तो दोनों अपन क्यों, या ऑर्थो और पैरा, अपन बताया था कि ऑर्थो और पैरा जब भी हो तो लिमिटेड इनका अमाउंट लेना, लिमिटेड है ना, दोनों बराबर लेंगे। ठीक, तो ये भी दो, ये भी दो लिए, क्या करेंगे अब यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन यानी इस जगह, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन यहाँ से निकल के कहाँ, इसके आगे आ गया, क्या बन गया है, CH2OH। ठीक, ये दूसरा अपने पास ऐसा फिनॉल का अणु था, पैरा पोजीशन यानी ये इस पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकल के भी कहाँ चला गया, इसके साथ, मतलब ये क्या पैरा डायरेक्टिंग हुआ, क्या बना, CH2OH। ठीक, तो यहाँ से हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया और यहाँ से हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया। अब इसको अपन थोड़ा सा ओपन करके देखें तो अपनों ने लिए फिनॉल के दो अणु, फिनॉल के दो अणु लिए और इसके भी कितने लिए थे, दो, ये दोनों लिए। ठीक, तो ऑर्थो पोजीशन सपोज अपन ने यहाँ पे कुछ जोड़ना है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल के इसके साथ गया और ये ऐसा कैसा कहाँ, इधर जुड़ गया, क्या बना, ऑर्थो, ऑर्थो पोजीशन, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी। ठीक, और ये वाला जो पूरा होता है इसको बोलते हैं बेंजील। ठीक, और ये एल्कोहल OH ग्रुप। ठीक, और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ गया और ये पूरा यहाँ पे जुड़ गया, तो क्या बना आपने, ये कौन सी पोजीशन, पैरा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल। तो फिनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अम्ल और क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, या क्या करते हैं, इसका संघनन करते हैं। तो संघनन करने से क्या होता है, ऑर्थो और पैरा कंपाउंड प्राप्त होते हैं। ऑर्थो पोजीशन ये वाली, पूरा ये CH2 यहाँ से हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ने से क्या होगा, ये CH2OH पूरा यहाँ पेड हो जाएगा। ये पैरा पोजीशन से भी हाइड्रोजन निकलेगा, ये दूसरे अणु के साथ आएगा और ये पूरा पूरा यहाँ जुड़ जाएगा, ये दोनों क्या बनाएंगे, ऑर्थो और पैरा कंपाउंड हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बनाते हैं। और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, लेडरर मेनासे अभिक्रिया। ठीक, आपको आगे हो गया समझ में क्या है अभिक्रिया, कि जब अम्ल और क्षार की उपस्थिति में फिनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ संघनित किया जाता है तो ऑर्थो और पैरा, देख ये ऑर्थो और ये पैरा
हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को लेडरर मेनासे अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, थैंक यू।